राज हमारे समाज की गौरव सही है सही। राम राज जलाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। भगवान राम जब श्रृंगेरी पहुंचे उनका सम्मान राजा तीसरा उन्होंने निषाद राज निषाद राज महाराज दशरथ के मित्र वो जैसे चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज दशरथ यही एक बड़े राज्य के अधिपति थे और एक राजकुमार जो वनवासी वेश में आ गया था महाराज दशरथ के पुत्र जो उनके परम मित्र के पुत्र थे उसका पालन पूरे सम्मान के साथ किया। यह स्पष्ट है कि निषाद समाज राज से ही धर्म और संस्कृति का साथ जहाँ कहीं भी राम राज दिलाने में भगवान राम का तो साथ दिया ही। इस राष्ट्र पर जब भी संकट आया है निषादों ने खुलकर साथ दिया। 1857 के विद्रोह में जब मंगल पांडे ने देश की प्रथम आज़ादी की लड़ाई शुरू की थी उसमें हमारे समाज का गंगा निषाद ने भी योगदान दिया था जिसको अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। हमारे समाज में हजारों लोग बलिदान हुए। हमारे मुजफ्फरपुर के ही जुब्बा सहनी बांगुर सहनी ने झंडा फहराते हुए यूनियन जैक को उतार कर थाने से और राष्ट्रीय झंडा फहराते हुए बलिदान जिसका स्मारक मुजफ्फरपुर में है। आज भी यदि राम राज की कल्पना चलती है हिंदू राष्ट्र की बात चलती है तो उसमें निषादों का बहुत बड़ा योगदान है। निषाद इस धरती के प्रथम पुत्र है। सारी सभ्यता के विकास में निषादों का योगदान। आज बड़े बड़े औद्योगिक नगर बसे हैं लेकिन आप देखेंगे प्राचीन समय में जितने भी नगर बसे हैं सब नदी के तट पर बसे हैं साथ समुद्र के बसे और सारा व्यापार नाव से होता है घास और इसका एक अधिकार मल्लाओं के पास। तो हमारा समाज हमारा निषाद हमारा मल्ला समाज आदिम समाज है। वेद व्यास ने निषाद समाज को ही गौरवान्वित किया था। वेद व्यास जी कैवर्त मल्ला थे आतो व्यास कैवर्त और यदि वेद व्यास नहीं होते तो भारतीय संस्कृति की कल्पना नहीं किया सकते। सारे वेद वीरांग की रचना करने वाले 18 पुराण उपुराण की रचना करने वाले संपूर्ण महाभारत की रचना करने वाले ब्रह्मसूत्र की रचना करने वाले श्रीमद् भागवत और उसमें भी सबसे बड़ी चीज है श्रीमद् भगवद गीता। गीता संपूर्ण शास्त्रों का इसमें सम्मिलित यही नहीं भगवान शंकर भी किरात वंशीय मल्लाही हैं। इसलिए भैरवी का महाकवि भैरवी का गीता किरात अर्जुनियम संस्कृत और उसमें किरात वेशधारी भगवान शंकर से अर्जुन का युद्ध होता है और भगवान शंकर प्रसन्न होकर उसको पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं जिस जो महाभारत में काम आता है। सदा से ही मल्ला समाज ने भारतीय संस्कृति सभ्यता के विकास में भारतीय सभ्यता संस्कृति के विकास में मल्लाहों के योगदान कोई नकार नहीं सकता। यदि निषाद समाज नहीं होता तो कहना चाहिए वैदिक संस्कृति का कोई अवशेष नहीं।
इस प्रकार हमारा विचार समाज आज भी यदि एक सुसंस्कृत सुसभ्य समाज की रचना कोई सोच रहा है, कल्पना करता है, फिर उसमें महिलाओं का योगदान। हेलो, आज के लोकतांत्रिक युग में जब बहुमत से ही शासन चलता है तो पूरे भारत में हमारी आबादी 18% आबादी जो जुझारू है, जिससे जिसके रक्त में वीरत्व है, जिसके रक्त में शौर्य तेज है, उसको इनकार करके कोई सुव्यवस्थित राज्य कुशल बनाए। इसलिए कोई भी दल हो, निषादों का सहयोग उसे लेना ही होगा और निषाद के सहयोग से ही एक सुव्यवस्थित से समृद्धशाली उज्ज्वल भारत का निर्माण किया। धन्यवाद।